नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण, एक बार फिर से आप बच्चों का स्वागत है। और बच्चा, आपको पता कि सुबह से बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स आपके अपनी अपनी जगह से निकल चुके हैं, कोई महेंद्रगढ़ से, कोई पलवल से, सिरसा से, फतेहाबाद से, बहुत दूर दूर से बच्चे पंचकूला पहुंच रहे हैं अपने हकों की लड़ाई के लिए। और आप भी पहुंचिएगा बच्चा, और जितने भी टीचर्स हैं वो भी पहुंचिएगा। मैं भी बस पहुंचने वाला हूं, करनाल से आगे निकल चुका हूं, और एक थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई है। वो पता नहीं किस वजह से क्या इशू आ गया है, लाइव स्ट्रीमिंग मैं अपने फ़ोन से नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो भी संदेश होगा, जो भी मैसेजेस होगा, मैं आपको शॉर्ट वीडियो से ही प्रोवाइड करवा पाऊँगा। अभी ये नहीं पता कि किस वजह से वो बंद हुआ, या तो ये जो हम ये हल्ला बोल कर रहे हैं इस वजह से भी शायद बंद हो गया हो, या फिर और कोई भी कारण हो सकता है, तो देखते हैं इसको। लेकिन तब तक अपनी शॉर्ट वीडियो तो आती रहेंगी, राइट, और वहाँ पर पंचकूला मिलो। दूसरी बात, जो आपका अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र वाले जो बच्चे हैं भाई, आपका विशेष सहयोग की आवश्यकता है। आपके घर में आ रहे हैं सारे के सारे हरियाणा के बच्चे, तो आप वहां पर पहुंचिएगा और अपने साथियों के लिए पानी या जो भी खाने पीने का थोड़ा बहुत आप ला सकते हो, ठीक है। मतलब कि भी अपने लेवल पे ही करना है, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर इन बच्चों की मदद करनी है, इन बच्चों को सपोर्ट करना है, और आपको वहाँ पर ज़रूर पहुँचना है। अपनी बाइकों के साथ पहुँचिएगा भाई, जैसा आपके पास व्हीकल हो, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा। लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और वहीं पर मिलेंगे। शांति प्रिय हमारा ये रहेगा, संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांगे करेंगे, कोई हमने हा हुल्ला नहीं करना है। अनैतिक कोई भी बच्चा मिले, कोई बकवास करे, उसको तुरंत बाहर फेंक देना है। लेकिन हमने एक सभ्य होने का, एक इस बात का प्रतीक हमारे को रहना कि भी हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एजुकेटेड नहीं है, हम एजुकेटेड पर्सन है, अनएजुकेटेड नहीं है। तो इस बात को आपको वहाँ पर दिखाना है, और एकता को दिखाना है कि भी सब स्टूडेंट एक हैं, सब स्टूडेंट अपनी मांग के लिए हैं, सब स्टूडेंट HSSC में रिफॉर्म्स चाहते हैं, HSSC शोषण कर रही है। तो ये बातें आपको वहाँ पर अपनी रखनी है। तो बच्चा, पंचकूला में मिलते हैं, सेक्टर 2 में, पंचकूला HSSC ऑफिस के सामने। तो वहाँ पर पहुँच जाइएगा।